अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आज की वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए अनबॉक्सिंग और गिव अवे इस लेंस का। तो दोस्तों ये मोबाइल लेंस है, कॉमनली आपने यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा लोग इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इस लेंस की अनबॉक्सिंग करूँगा और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है, कैसे चलता है, और इसका गिव अवे भी करूँगा। तो दोस्तों गिव अवे में शामिल होने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जीमेल आईडी दे देना है। जो कोई भी विन होगा मैं उसको मैसेज करूँगा, वो अपना एड्रेस देगा और मैं उसको ये सेंड कर दूँगा। तो दोस्तों चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस लेंस की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। जैसा कि ये है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर। दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हमारे पास ये लेंस है और इसके साइड में इसके कुछ लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईफोन वगैरह के लिए भी सपोर्टेड है। आईपैड आईफोन दोनों जगह पर आप इसको चला सकते हैं। पीछे दोस्तों यहाँ पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है जैसा, और इसके यूज़ वगैरह करने का तरीका है। तो दोस्तों चलते हैं इसके डब्बे को खोलते हैं, देखते हैं हमारे पास इसके डब्बे में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पर इसके डब्बे को खोलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये एक चीज़, यहाँ पर ये हमारा एक, इसके नीचे दोस्तों ये कुछ बिनोक्लोर जैसी है, यहाँ पर इसका पता नहीं है मुझे इतना ख़ास ये क्या है। तो दोस्तों इसको साइड पे रख देते हैं हम, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है हमारा लेंस। तो यहाँ पर दोस्तों लेंस को आप देख सकते हैं आसानी से, ये हमारा लेंस है। यहाँ पर दोस्तों इसके दोनों साइड पर इसके कैप हैं, एक साइड से ये कैप है और दूसरी साइड से यहाँ पर ये है इसका कैप। तो दोस्तों यहाँ पर इसको आप घुमाकर आसानी से फोकस कर सकते हैं, ये फोकस के लिए इसको आप आसानी फोकस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ जो है डब्बे के अंदर वो है इसका क्लिप। तो दोस्तों इस क्लिप को आप आसानी से मोबाइल के अंदर लगाकर अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये लेंस है और ये इसका फोकस पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको मोबाइल पे अटैच करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास एक मोबाइल है तो मैं आपको इसको अटैच करना सिखाता हूँ। जैसा कि ये मोबाइल है, आपने इस मोबाइल के ऊपर इसके क्लिप को लगा लेना है कुछ ऐसे करके। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्लिप की सेटिंग कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पर जो आपका लेंस है उसको आपने एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर राउंड दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ से आप इसको घुमाकर फोकस वगैरह आसानी से कर सकते हैं वीडियो ब्लर करने के लिए। तो दोस्तों इसकी क्वालिटी की बात करता हूँ तो वो तो मुझे बड़ी घटिया लगी, क्योंकि ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है इसके डब्बे के ऊपर 14x है, लेकिन ये 2x लेंस भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मैं गिव अवे भी करूँगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको लाइक भी करना है, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपना जीमेल आईडी दे देना है, उसके ऊपर मैं इसका गिव अवे करूँगा। तो दोस्तों इसके रिज़ल्ट की बात करें तो ये मोबाइल आसानी से किसी चीज़ को फोकस नहीं करता। इसको फोकस करने के लिए कम से कम भी आपको 15 से 20 कदम जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इसके कुछ पीछे अटैच होता है, ये मुझे इसका अटैच करने का तरीका भी नहीं आता। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और गिव अवे में शामिल होने के लिए कमेंट वगैरह करके अपना जीमेल आईडी दे दें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।